नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयू न्यूज। चले चलते हैं दिनभर की फटाफट खबरों की ओर। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने की यूएनएससी बिफरिंग की अध्यक्षता। पीएम पद से हटने के बाद भी कायम है इस नेता का जादू। भाषण देकर दो महीने में कमाए 10 लाख। टीम इंडिया को लगा पहला झटका, केएल राहुल फिर हुए फेल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर करने वाले कोच की हुई विदाई। राजकुमार संतोषी 9 साल बाद इस फिल्म में कर रहे डायरेक्शन में वापसी। अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कह दी बड़ी बात, मचा बवाला। मुंबई में एनसीबी का एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स किए जब्त। आज रात कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, ममता समेत 4 राज्यों के सीएम संग करेंगे बैठक। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, नेता प्रतिपक्ष का माइक आज भी बंद। बिहार के बेगूसराय जिले में शराब पीने से एक शख्स की मौत। फेसबुक में पुलिस के खिलाफ कमेंट करना पड़ा यूजर को भारी। बेनतीजे रही है टैक्सी संचालकों और प्रशासन की वार्ता। जमीन की नाप जोक से बस्ती वासियों में मचा हड़कंप। अब एक ही भवन में संचालित होंगे सभी कार्यालय। सतपाल महाराज ने लोक निर्माण के 7 करोड़ की योजना का किया शिलान्यास। रेल और सड़क यातायात हुआ प्रभावित, 9 घंटे की देरी से पहुंची अमरनाथ एक्सप्रेस। मिठाई की दुकान पर नियमों का पालन न करने से होगी कार्यवाही। सुगर मिल में पकड़ा गया एसएमएस एडिट कर गन्ना तुलवाने वाला मामला। मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करने की ग्रामीणों ने पुलिस से करी मांग, क्षेत्र में भारी आक्रोश। सड़कों की नालियां खोलने और झाड़ी कटवाने के दिए आदेश। एसएसबी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का हुआ समापन। 12.5 लाख कैश के साथ 23 लोगों को किया गिरफ्तार। जनपद में मनाया गया विजय दिवस। कोटद्वार भाबर स्थित राजकीय महाविद्यालय कंवर घाटी में आगामी दिनों में छात्र संघ चुनाव होंगे। बास्केटबॉल प्रतियोगिता, 8 जनपदों के 184 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग।